आजकल फ़ोन तो सभी यूज करते हैं, ये हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा बन गया है। इसमें हम मेल, फोटो, पासवर्ड, डाटा, वीडियो, म्यूज़िक, कॉन्टैक्ट और डॉक्यूमेंट्स, ये सारी चीज़ें अपने ही फ़ोन में रखते हैं। और आपका फ़ोन कई लोग यूज भी करते हैं, आपके दोस्त, आपके घर परिवार के लोग आपके फ़ोन को देखते हैं। क्या आप कुछ ऐसा करें जिससे कि आपके डाटा को लोग ना देख पाएँ? हमारे फ़ोन में ये सारे डाटा होते हैं और हम इस डाटा को पर्सनली रखना चाहते हैं, किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते। तो ऐसा क्या करें जिससे कि हमारा डाटा कोई देख ना पाए? ये जानने के लिए ये वीडियो देखते रहिए। नमस्कार, मेरा नाम दीपक है और आप देख रहे हैं संसार सागर। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि आपके फ़ोन का डाटा दूसरे ना देख पाएँ या आप उसे शेयर नहीं करना चाहते, तो इसके लिए आपको अपने मोबाइल पर एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। इसके लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर पर जाइए, ये प्ले स्टोर है, इस पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ जहाँ गूगल लिखा हुआ है, यहाँ पर सर्च बार पर एप्स लॉक टाइप कीजिए। एप्स लॉक टाइप करने के बाद ये सर्च करना शुरू कर देगा और सर्च करने के बाद आपको यहाँ एप्स लॉक की एक लिस्ट दिखेगी। अभी सर्चिंग चल रही है। नेट की प्रॉब्लम होने के कारण ये टाइम ले रहा है। हम फिर से ट्राई करते हैं। ये एप्स लॉक की लिस्ट ओपन हो गई। यहाँ बहुत सारे एप्लीकेशन हैं। एप्लीकेशन को लॉक करने के लिए हम इस एप्लीकेशन का यूज़ करना आपको बताएंगे। ये एप्लीकेशन, इस पर आप क्लिक कर लीजिए, ये डाउनलोड हो जाएगा और इंस्टॉल हो जाएगा। ये मैंने पहले से इंस्टॉल किया हुआ है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे, ये डाउनलोड हो जाएगा और आपको आपके मोबाइल पर कुछ इस तरह दिखेगा। देखिए, ये है एप्स लॉक, ये ऐसा इसका आइकॉन आपको दिखेगा, इस पर आप क्लिक कीजिए। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, टच करते हैं, आपके सामने ये पासवर्ड मांगता है। यहाँ पर आप कोई भी पासवर्ड ये ओपन हो जाता है। यहाँ पर देखिए, ये है प्राइवेसी। इसमें ये बहुत सारे एप्लीकेशन जो आपके मोबाइल में हैं, गूगल प्ले स्टोर, इंस्टॉल, अनइंस्टॉल। देखिए, जैसे ये गूगल प्ले स्टोर है, ये यहाँ पर साइड में यहाँ पर लॉक बना हुआ है, ये अभी खुला हुआ है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये लॉक हो जाएगा। जब भी इस पर प्ले गूगल प्ले स्टोर पर कोई इसको ओपन करना चाहेगा तो ये पासवर्ड मांगेगा और पासवर्ड देने पर ही ये ओपन होगा। चलिए इसको ओपन कर देते हैं। उसके बाद नीचे ये स्विच लॉक है, वाईफाई, ब्लूटूथ, ये नीचे जर्नल एप्लीकेशन दिए गए हैं। ये एप्लीकेशन है ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डर, ईमेल, बहुत सारे एप्लीकेशन जो आपके मोबाइल में हैं ये यहाँ पर शो होंगे। और इसके सामने यहाँ पर ये लॉक आपको शो हो रहा है, लॉक का आइकॉन, इस पर आप क्लिक करेंगे, ये लॉक
बंद हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये एप्लीकेशन तभी ओपन होगा जब इसमें कोई पासवर्ड डालेगा। पासवर्ड नहीं डालेगा तो ये ओपन नहीं होंगे। इसमें पासवर्ड नहीं डाले हुए हैं, ये डायरेक्टली ओपन हो जाएंगे और जिसको आप लॉक करेंगे वो पासवर्ड देने पर ही ओपन होंगे। बहुत सारे हैं, जैसे ये गैलरी है, इसमें आपकी फ़ोटो होती है। आप नहीं चाहते कि कोई आपकी फ़ोटो देखे या आप उसको किसी और के साथ शेयर नहीं करना चाहते, इसके लिए आप इस पर क्लिक कीजिए, वो लॉक हो जाएगा और कैमरा भी लॉक हो जाएगा। कोई कैमरे से फ़ोटो भी नहीं खींच सकता है। वो पासवर्ड मांगेगा, जब पासवर्ड देंगे तभी वो आपका कैमरा और गैलरी ओपन होगी। ऐसे बहुत से एप्लीकेशन हैं, जो भी आपके मोबाइल में एप्लीकेशन होंगे वो सारे यहाँ पर शो होंगे, आप इनको लॉक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ प्रोटेक्ट, इस पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे अनलॉक सेटिंग, जब इस पर क्लिक करेंगे तो लॉक करने के लिए दो तरीके होते हैं, एक पासवर्ड लॉक होता है, एक पैटर्न लॉक होता है। पासवर्ड लॉक में आप पासवर्ड दे सकते हैं, कोई भी न्यूमेरिक डिजिट इसमें आप दे सकते हैं। वही आप पहला आपको यहाँ एंटर करना होगा, उसके बाद री एंटर नीचे करना होगा और कोई भी यहाँ पर पासवर्ड की हिंट आप दे सकते हैं और इस पर सेव कर लीजिए। जब कोई भी एप्लीकेशन ओपन करना होगा तो वो पासवर्ड मांगेगा, जब आप उसी पासवर्ड को डालेंगे तब वो ओपन होगा। आप पासवर्ड ऐसा चूज़ कीजिए जो आपको याद रखने में बहुत ही आसान हो लेकिन दूसरों के लिए डिफ़िकल्ट हो। हाँ, ऐसा पासवर्ड मत चूज़ कीजिए कि आप ही उसे भूल जाएं। उसके बाद लॉक करने का दूसरा पैटर्न, ये पैटर्न लॉक दिया गया है। पैटर्न लॉक में होता क्या है कि 9 पॉइंट का एक ग्रुप होता है, इसमें आप कोई भी अल्फ़ाबेट या कोई भी ग्राफिक दे सकते हैं और वो तभी ओपन होगा जब आप उसको, जो पैटर्न आपने दिया है उसको देंगे। इसमें बहुत से ऑप्शन हैं, इसको आप अपने हिसाब से अपने तरीके से सेट कर सकते हैं। ये मैजिक है, इस पर आप क्लिक करेंगे, ये मैजिक हाइड लॉक, ये लॉक को छिपाएगा। इसको यदि आप चालू करते हैं, ये रैंडम कीबोर्ड है। देखिए, जब एप्लीकेशन कोई भी ओपन करेगा और वो आपने लॉक किया है तो वो न्यूमेरिक आपके सामने आएंगे, वो रैंडमली आएंगे। रैंडमली का मतलब क्या होता है कि वो सिस्टमेटिक न्यूमेरिक नहीं होते हैं, वो चेंज होते रहते हैं। दोस्तों, इस तरीके से आप अपने एप्लीकेशन को, अपने डाटा को छिपा सकते हैं, लॉक कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आज के वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हमारे वीडियो आप तक पहुँच सकें। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।